बता दें आपको, समाज कल्याण विभाग में करोड़ों की अनियमितता का मामला सामने आया है। अधिक जानकारी के लिए सत्या हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्या, क्या कुछ पूरी जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? इस ऑडिट में ये खुलासा हुआ है कि हजारों करोड़ों की अनियमितता है और अनुमानित गबन का जो ऑडिट रिपोर्ट आया है इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि जो मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना है इसमें अग्रिम भुगतान किया गया है जिसमें हजारों करोड़ का मामला है और गबन और अनियमितताएं ऐसी वो रिपोर्ट में दिया गया है। और जो उनके संचालक रहे हैं उनका बयान लिया गया था, संचालक के बयान के मुताबिक उन्होंने कहा था कि एमयू के शर्त के मुताबिक आरसीजीसीआई को अग्रिम भुगतान किया जाता है, लेकिन जो इनका जो तथ्य है उनका जो कोटेशन लिया गया था उससे जो अपना ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक कहना है कि इनका जो बयान है ये उचित नहीं है। तो इस तरह ये जो ऑडिट रिपोर्ट सामने आया है जिसमें खुलासा हुआ है कि इसमें करोड़ों की अनियमितताएं सामने आई हैं और अग्रिम भुगतान किया गया है। तो हम इस मामले को लेकर संचालक उप संचालक के पास पहुंचे थे जहां पंकज वर्मा का कहना है कि हम इस मामला का अभी अध्ययन कर रहे हैं, जो रिपोर्ट आई है उसमें इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं पाई गई है और इसमें जो उचित कार्रवाई करना है वो अध्ययन के बाद किया जाएगा। तो इस तरह चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए सत्या। मुखबिरी के शक में